हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं रवि राठौर, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन क्रिएटरों के लिए जिनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है। जब भी मोनेटाइजेशन की बात आती है तो क्रिएटरों को बहुत सारा टेंशन हो जाता है कि मोनेटाइजेशन का जो अपडेट है वो कैसा होगा, क्या क्या शर्तें होंगी और क्या क्या हमें करना होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने हैं मोनेटाइजेशन के उस रूल्स की, जिसमें अगर आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर अब आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करोगे तो मोनेटाइजेशन कुछ देर बाद होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी मुझे तब मिली जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की। जी हाँ, जब मैंने वीडियो अपलोड की तो जब मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किया तो वहाँ पर चेकिंग लिखा हुआ आ रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर मैंने देखा और जस्ट नीचे लिखा हुआ था कि आपकी जो वीडियो है वो चेक हो रही है और अधिक से अधिक इसमें एक घंटा लगेगा और कम से कम इसमें जो समय लगेगा वो भी 20 मिनट लगेगा। तो कम से कम 20 मिनट के बाद ही आपके चैनल पर जो वीडियो अभी अपलोड हुई है वो उसे मोनेटाइजेशन उसका ऑन किया जाएगा, पहले उसे चेक किया जाएगा। कम से कम 20 मिनट लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगवाते हुए चलिए पहले तो सिस्टम पर देख लेते हैं कैसा है वो अपडेट, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते हैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट जो हमने लिए थे हमारी पिछली वीडियो अपलोड करते टाइम। तो पहला स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आवर एड सुटेबिलिटी चेक इज स्टिल रनिंग, दिस यूजली टेक लेस देन 20 मिनट, द मोनेटाइजेशन स्टेटस विल बी शो एंड एड्स कैन स्टार्ट रनिंग व्हेन द चेक इज कंप्लीट। जब मैंने ये लर्न मोर पर क्लिक किया तो मुझे ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट किया, जहाँ पर ये देखिए इस तरीके का एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि आपकी वीडियो चेक हो रही है, कम से कम 20 मिनट लगेंगे और अधिक से अधिक लगेगा तो एक घंटा, जिसके अंदर आपकी वीडियो जो है मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगी, उसमें आपके वीडियो में एड्स स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, सारी बातें 20 मिनट से लेकर एक घंटे के अंदर क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई कॉपीराइट भी इसमें अगर आता है तो वो तो तुरंत ही आपको उसका नोटिस मिल जाएगा मेल के जरिए, लेकिन ये 20 मिनट से एक घंटे के अंदर आपकी वीडियो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, अर्निंग के लिए, जहाँ पर आपकी वीडियो में एड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको और भी अच्छे समझना है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर के जरिए। वैसे तो मैंने आसान भाषा में आपको समझा ही दिया है। तो ऐसा अपडेट अगर आपके पास नहीं आया तो हो सकता है आ सकता है, मेरे पास आ चुका है तो मैं तो इससे काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो रहा है हमारे लिए कि आपकी वीडियो मोनेटाइज होगी या नहीं होगी। तो इससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट हम लोग मान सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीका का ये अपडेट आया मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आपकी वीडियो सिर्फ 20 मिनट में ही चेक हो रही है मोनेटाइजेशन के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आगे के लिए आपकी वीडियो पूरी तरीके से सेफ रहेगी, वो भी विद मोनेटाइजेशन। यानी अब आपकी जो वीडियो वो 20 मिनट में चेक होकर मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगी, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस अपडेट से बहुत खुश हूँ, हो सकता है आपके पास भी आ सकता है ये अपडेट जल्द ही जल्द, किसी के पास आया हो। मेरे पास आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको दिखा भी दिया इसका प्रूफ स्क्रीनशॉट जो मैंने लिए थे वीडियो अपलोड करते टाइम। तो हो सकता है आपके पास भी ये अपडेट आया हो, नहीं आया है तो हो सकता है आ सकता है, इसके लिए आपको वेट करना हो। मेरे पास आ चुका है तो काफ़ी अच्छा अपडेट है अगर इसे माने तो, क्योंकि अगर आपकी वीडियो 20 मिनट में ही चेक होकर मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो रही तो आगे के लिए इसमें कोई दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो ये अपडेट की जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।